भारत की महिलाएं काफ़ी सशक्त हैं। सेना में फाइटर जेट उड़ाने को लेकर देश की न्यायपालिका की रक्षा तक सारे काम देश की महिलाएं कर रही हैं। चाहे व्यवस्था बनाए रखने के लिए काले कोट पहनने हों या खादी वर्दी, सब में महिलाएं हमारे समाज में योगदान दे रही हैं। देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास वर्दी नहीं है, ना ही देश की रक्षा के लिए बल है, लेकिन अथाह ज्ञान और कलम की ताकत है जिसका इस्तेमाल कर वह समाज सुधारने के लिए काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं अरुंधति राय की। अरुंधति राय अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इतना ही नहीं, अरुंधति समाज सेविका भी हैं। उन्हें लेखक से लेकर सोशल वर्क तक के लिए कई बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। देश में ही नहीं, अरुंधति राय का नाम विदेशों में भी खूब मशहूर है। 24 नवंबर को अरुंधति राय का जन्मदिन है। आइए जानते हैं देश के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और समाज सेविका अरुंधति राय के बारे में। अंग्रेजी भाषा की उपन्यासकार अरुंधति राय का जन्म शिलोंग में 24 नवंबर 1961 में हुआ था। अरुंधति की मां का नाम मैरी रॉय है, उनके पिता राजीव रॉय हैं। मैरी रॉय केरल की सीरियाई ईसाई परिवार से थी, जबकि उनके पिता कलकत्ता के निवासी बंगाली हिंदू हैं। अरुंधति जब 2 साल की थी तो उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद से अरुंधति अपनी माँ और भाई के साथ केरल आ गईं, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। अरुंधति ने केरल के अयमनम में रहती हैं और शुरुआती शिक्षा अपनी माँ के स्कूल, जिसका नाम कॉपर्स क्रिस्टी था, से ही लिया था। बाद में दिल्ली आकर आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी की। अरुंधति राय ने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था और दिल्ली आकर रहने लगी। अरुंधति ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उन्होंने खाली बोतलें बेचकर पैसे जुटाए थे। उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर उनका दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला हुआ था। अरुंधति ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अभिनय भी किया। मैसी साहब नाम की फिल्म में अरुंधति लीड रोल में रही। इसके बाद अरुंधति ने कई फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखीं। अरुंधति राय पर अपने परिवार, खासकर माता पिता का गहरा असर रहा है। यही वजह है कि अरुंधति की एक किताब में उन बातों का जिक्र था जो वो 2 साल की उम्र में उनके साथ घटित हुई थी। उन्होंने इस बारे में कहा था कि मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने उन घटनाओं के बारे में कैसे लिख दिया। शायद वो घटनाएँ मेरे मस्तिष्क में एकत्रित हो गई हों और सही वक्त पर बाहर आ गईं। उपन्यासकार अरुंधति ने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस 1989 में लिखी, इलेक्ट्रिक मून 1992 में और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जैसे उपन्यास लिखे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।